गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जो आज हम पढ़ेंगे वो आ जाता है चरक सूत्र फोर्थ अध्याय, जिसका नाम क्या आ जाता है, षड विरेचन शताश्रय अध्यायनम। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें 600 जो द्रव्य बताए गए हैं विरेचन योग्य, उसके बारे में भी वर्णन किया गया है। पंचविध कषाय कल्पनाओं का भी वर्णन किया गया है और महाकषायों का भी वर्णन किया गया है इसमें। तो सबसे पहले आ जाता है कि वमन विरेचन योग कौन कौन से हैं। तो यही कुलु, ठीक है ना, यही खलु षड विरेचन शतानी भवंती। तो आयुर्वेद में कितने टोटल बताए गए हैं विरेचन योग, तो टोटल 600 विरेचन योग बताए गए हैं। उसमें जो वमन योग है वो आ जाते हैं 355 और विरेचन योग आ जाते हैं 245। ठीक है, 355 और 245 ये याद रखने हैं। उसमें आगे आ जाता है कि मदन फल के कितने हैं। ठीक है, जितने भी चाहे वो वमन योग है या विरेचन योग है, दोनों के कितने होते हैं, 6 अध्याय इसके हैं, 6 इसके हैं। जो कल्प स्थान है उसमें क्या है, पूर्ण रूप से वर्णित किया गया है। ठीक है ना, तो अच्छे से उसमें क्या है, वर्णित है। तो इसमें क्या आ जाता है, इसमें बोला गया कि मदन फल में टोटल कितने योग है, तो 133, जीमूतक में 39, इक्ष्वागु में 45, धमार्गव में 60, वत्सक में 18, कृतवेधन में 60। ठीक है, क्षमा त्रिविक में 110, चतुरंगल में 12, तिलवक में 16, सुनुही में 20, सप्तला शिंखिनी 39, दंती द्रवंती 48। ठीक है, टोटल ये बताए गए हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है कि विरेचन योगों के आश्रय। ठीक है ना, विरेचन योगों के आश्रय कितने हैं, तो टोटल हो जाते हैं 6 षड आश्रय हैं। तो षड विरेचन आश्रय इति शीर मूल त्वक पत्र पुष्प फलानी इति, तीनों ने कितने हैं, 6 होते हैं। तो 6 में कौन से है, मूल आ जाता है, त्वक आ जाता है, पत्र पुष्प फल और क्षीर। तो इसको और हमने याद करना है, तो इसमें आप कर सकते हैं मूत पप्पू नाल। ठीक है ना, मूत पप्पू फल करके याद कर लो, नाल बाद में आएगा। तो मूत मूत, ठीक है ना, तो मुँह से मूल और त से त्वक। ठीक है, पप्पू, तो प से पत्र और पू से पुष्प। ठीक है, मूत पप्पू और फल, तो ये कितने होते हैं, 5। ये पंचांग होते हैं। ठीक है, उसमें प्लस कर देना शीर, तो वो कितने बन जाएंगे, षड बन जाएंगे। ठीक है ना, षड आश्रय। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है शिरो विरेचन में आश्रय, तो वो कितने होते हैं, टोटल 7 होते हैं। तो साथ में कैसा है, वही आएगा मूत पप्पू फल, यही पंचांग रहेगा। उसके बाद क्या आ जाता है, कंद और निर्यास। ठीक है ना, कंद और निर्यास इसमें क्या है, ये ऐड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट याद रखना कि ये जो है षड विरेचन, हमने जो इस चैप्टर में आता है वो तो षड विरेचन के आश्रय 6 ही यही आते हैं। ठीक है ना, जो 600 जो विरेचन जो योग बताए हैं उसमें क्या है, जो आश्रय हैं वो 6 ही आएंगे। ये जो है ये क्या है, ये विमान स्थान 8 का है। ठीक है, तो उसमें यही बोला गया कि ये कितने होते हैं, तो टोटल 7 बताए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कषाय योनि, तो कषाय योनि कितनी होती है, तो वो होती है टोटल 5। ठीक है ना, कषाय योनि याद रखना है कि क्या पूछा गया है, कषाय योनि, यूनिवर्स साथ में आएगा। ठीक है, तो वो कितने होते हैं, 5। सिर्फ किसको छोड़ के, तो लवण को छोड़ के। ठीक है, जैसे मधुर अम्ल लवण नहीं है, फिर तिक्त कटु और कषाय। ठीक है, टोटल कितने होते हैं, 6 रस होते हैं, तो उसमें लवण को छोड़ के बाकी जितने 5 रस बचते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो कषाय योनि में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि महाकषाय 50 होते हैं और कषाय जो होते हैं वो कितने होते हैं, 500 बताए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है षडविध, ठीक है, कल्पनाएं, पंचविध कल्पनाएं। तो जो हम पंचविध पढ़ते हैं, ठीक है, स्वरस कल्क क्वाथ हिम, ठीक है ना, फांट, वही सभी के बारे में क्या है, अलग अलग आचार्यों का मत बताया गया है। तो यहाँ पर बताया गया आचार्य चरक के अनुसार स्वरस कल्क, उन्होंने क्या है, क्वाथ की जगह श्रुत वर्ड यूज़ किया हुआ है, शीत फांटे कषायश्च इति, यथा क्या बोला, तेषाम यथा पूर्वम बल अधिक्यम। क्या है कि जैसे जैसे हम क्या है कि आगे की तरफ जाएंगे, आगे इन द सेंस इधर की तरफ, ठीक है ना, तो वैसे वैसे क्या है वो बढ़ता जाएगा, या यथा पूर्वम जो सबसे पहले बोला गया है, ठीक है ना, तो वही सबसे अधिक होगा, उसके बाद क्या है वो कम होता जाएगा। स्वरस सबसे क्या है, बल वाला है, उसके बाद स्वरस श्रित शीत और फांट, ठीक है, ये बताए गए हैं। जो आचार्य सुश्रुत है उन्होंने कितने माने, तो उन्होंने षडविध माने हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या है, उन्होंने माना है क्षीर स्वरस कल्क श्रित शीत, ठीक है ना, फांट, तो उन्होंने क्या है क्षीर को क्या है ऐड किया है। उन्होंने बोला उत्तरोत्तर लघु, मीनिंग उन बात उन्होंने एक ही रखी है, ठीक है, मीनिंग एक ही है, उन्होंने उत्तरोत्तर लघु बोल दिया, इन्होंने पूर्व में बल अधिक्य बोल दिया, मीनिंग सेम ही है।
लेकिन कहाँ प्रॉब्लम आ जाती है कि बस उन्होंने वो गुरु माना है, ठीक है, और इन्होंने क्या है ये लघु मान लिया है, ठीक है ना। बात वो सेम ही कह रहे हैं कि जैसे जैसे नीचे की तरफ आएंगे तो वो उतना उतना क्या है लघु होता जाएगा, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है भागवत, ठीक है ना। तो भागवत ने क्या बोला है कि षड़ रस कल्कै, ठीक है, तो रस स्वरस को रस बोल दिया, रस कल्कै शीत शीत फाण्डश्च एति प्रकल्पा, तो कितने हैं, तो ये पंचम है, ठीक है ना। तो पंच देवम कषायाना पूर्व पूरम बल अधिक्यम, ठीक है ना। उन्होंने भी यही बोला कि पूर्वम में क्या है बल अधिक्यम है, सिर्फ सुश्रुति एक ऐसे हैं जिन्होंने क्या है कि बोला गया है कि उत्तरोत्तर लघु, बाकी जितने भी सब आएंगे तो सभी ने क्या है पूर्वम बल अधिक्य ही ऐसे करके ही कोटेशन दी है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है चक्रपाणी के अनुसार क्या है, ठीक है ना। चक्रपाणी के अनुसार क्या है, डेफिनेशंस दी गई हैं अलग अलग। तो उन्होंने सबसे बोला गया है कि कषाय कल्पना जो होती है उसकी एक डेफिनेशन दी गई है, कषाय नाम यथोक्त द्रव्य नाम कल्पम उपयोगनार्थ संस्कारान कषाय कल्पम, ठीक है, ये दिया गया है। उसमें क्या है स्वरस कल्क क्वाथ क्वाथ मिश्रित शीत और फांट, उसके बारे में डेफिनेशन दी है। स्वरस में बोला गया है कि यंत्र निष्पीड़तात् द्रवात् रस स्वरस उच्चते, ठीक है ना। मतलब एक तरह से कि हम क्या करते हैं स्वरस में उसको क्या है एक यंत्र से या फिर कपड़े से भी करते हैं या फिर मतलब उसको क्या करते हैं उसको अच्छे से कूट लेते हैं फिर उसको क्या है पीड़ित करते हैं, मतलब उसको हाथ से ऐसे निचोड़ते हैं, ठीक है। तो उससे जो निकलता है वो जो रस निकलता है उसको स्वरस बोलते हैं। कल्क में बोल दिया गया कि यह पिंडो, ठीक है ना, रस पिष्टि नाम स कल्के परिकीर्तिता है। तो उन्होंने बोल दिया कि क्या होता है कि जो एक पिंड रूप में बन जाता है, ठीक है ना, जो क्या है एक पिंड रूप में एज अ पेस्ट की तरह बन जाता है उसको कल्क बोला गया है। श्रित क्या होता है, वहीनो, ठीक है ना, एक वहीन मतलब अग्नि के साथ उसको पकाया जाता है। तू क्वाथितम, ठीक है ना, क्वाथ को एक तरह से क्वाथ पकाया जाता है जिसमें हम क्या है जैसे कि 8 गुना पानी डालते हैं, जब 1/4 रह जाए वो अकॉर्डिंग टू द्रव्य होता है कि आपने किस क्वांटिटी में लिया या किस क्वालिटी का लिया है, ठीक है। तो उस प्रकार से उसको पकाते हैं, ठीक है ना। श्रित मऊ चिकित्सा, ठीक है ना, तो चिकित्सा के लिए जो काम आता है। नेक्स्ट उन्होंने बोल दिया शीत, तो शीत के लिए उन्हें बोला गया है द्रव्याद, ठीक है ना, द्रव्याद पोथित तोय तत्पुने निशी संश्रितात् कषायो यो अभिनिर्यन्ति निर्यति स शीतम समुदाहते, ठीक है। तो उन्हें शीत में भी यही बोल दिया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट शीत में सिंपल आप याद रखना कि क्या होता है कि रात को जैसे कि उसको पानी में जैसे कि कुछ डालकर जैसे कुछ द्रव्य जैसे मेथी जो होती है उसको पानी में डाल दिया, अगले दिन सुबह क्या किया पानी को निकाल कर उसको पी लिया, ठीक है ना। पानी इन द सेंस कि जो मेथी होगी उसको निकाल दिया तो उसके बाद क्या उसको पी लिया, ठीक है ना, पानी को, तो वो किस में चली जाती है, तो वो शीत कल्पना में चली जाती है। नेक्स्ट अगला था फांट, तो फांट में क्या होता है, तो फांट में आप समझ लो चाय जैसे बनती है, तो उस हिसाब से बोला गया कि शिप्त उष्ण तोय, ठीक है ना, शिप्त उष्ण मृदिंत, ठीक है ना, मृदितम तद फांटम परिकीर्तितम, ठीक है, ये चीज़ बताई गई है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है महाकषाय, ठीक है ना, महाकषाय जिसको बोल देते हैं और दशमानी बोल देते हैं, ठीक है। तो जो 10 में इन्होंने बोले गए हैं तो वो कौन कौन से आ जाते हैं, इसमें आपका क्या है जैसे हमने टोटल कितने कषाय बोले हैं, अगर आपको ध्यान होगा तो हमने जो महाकषाय बताए हैं तो वो 50 महाकषाय हैं, लेकिन जो टोटल कषाय बताए हैं तो वो कितने बताए हैं, तो वो हमने बताए हैं 500, ठीक है। तो वो क्या है, तो ये जितने भी 50 है तो उसको क्या है 10-10 में इन्होंने हर कषाय के 10-10 ड्रग्स हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या किया, अगर 50 को 10 से करेंगे तो कितने बन जाते हैं, 500 बन जाते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा इसमें कि जैसे जो महाकषाय हैं, ठीक है ना, महाकषाय दशमानी, तो उसमें जीवनीय वर्ग में कितने आते हैं, तो आप लिखोगे 6, ठीक है, या शोनि स्थापनीय में कितने आते हैं, 5, ठीक है। तो जीवनीय वर्ग में सारे जो एज अ ब्रिंगन टाइप के करने वाले या फिर जो ज़्यादा बड़े हुए हैं या कम, मतलब एक तरह से क्या है सम अवस्था में लाने वाले, वो सारे जीवनीय में आ जाते हैं। जैसे क्या है जीवनीय, ब्रिंगनीय, लेखनीय, भेदनीय, मतलब निये निये वाले आप ऐसे करके भी याद कर सकते हैं। जैसे जीवनीय है जीवनीय, तो जीवनीय, भेदनीय, लेखनीय, ठीक है ना, संधानीय, दीपनीय, ठीक है, तो वो कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं। तृप्ति आदि वर्ग, ठीक है ना, तृप्ति घन आदि, तृप्त घन आदि, ठीक है ना। अब घन वर्ड आया तो वो भी कितने होते हैं, 6, घन भी कितने बताए गए हैं, तो 6 बताए गए हैं, ठीक है ना। ये एक्चुअली क्या है, ये इसके अंडर नहीं है, तो बस आपको याद करना है कि निये वाले कितने हैं, ठीक है ना, मतलब कि दीपनीय, घन वाले कितने आ जाते हैं, बल वाले कितने हैं, आदि वाले कितने हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें। जैसे कि निये, दीप, जीवनीय, भृंगनीय, लेखनीय, भेदनीय,
मतलब पीछे का जो प्रोनंसिएशन है वो सेम जा रहा है ना, तो वैसे ही है। अब आता है तृप्ति घन आदि वर्ग, तो उसमें आता है तृप्ति घन, अर्शो घन, कुष्ठ घन, कंडू घन, कृमि घन, विष घन, ठीक है, ये चीज़ें क्या है बताई गई हैं। नेक्स्ट अगला आता है बल्ले वर्ग, बल्ले आदि वर्ग जो होते हैं उसमें बल्ले, वन्य, कंठ, हृदय, तो ये टोटल कितने होते हैं, तो चार होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है स्तन्य जनन आदि, ठीक है, स्तन्य जनन आदि में कितने होते हैं, चार होते हैं। तो स्तन्य जनन मतलब जनन, ये स्तन्य जनन आदि मतलब क्या होता है कि स्तन्य वाली जो जितने भी सारे बताए गए हैं टोटल कितने हैं, चार हैं। स्तन्य जनन, स्तन्य शोधन, ठीक है, शुक्र जनन और शुक्र शोधन, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद आता है पग वाले, ठीक है, स्नेहो पग आदि में मतलब पग वाले कौन से होंगे, तो पग वाले टोटल होते हैं सात, स्नेहोपन, ठीक है ना। उसके बाद विरेचनो वमनो पग, विरेचनो पग, अस्थापनो पग, अनुवासनो पग और शिरोविरेचनो पग, ठीक है, ये चीज़ बता दी गई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है छर्दी निग्रहण, तो छर्दी निग्रहण में कितने होते हैं, तीन होते हैं निग्रहण, ठीक है ना, निग्रहण में, तो छर्दी निग्रहण, तृष्णा निग्रहण और क्या जाता है हिक्का निग्रहण, वो बताए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है पुरुष संग्रहणीय, तो संग्रहणीय जो होता है संग्रहणीय वर्ड उसे थोड़ा सा लगाते हैं तो उसमें आ जाते हैं पाँच, तो कौन कौन से आ जाते हैं, संग्रहणीय पुरुष, संग्रहणीय पुरुष, विरंजनीय मूत्र, संग्रहणीय मूत्र, विरंजनीय मूत्र, विरेचनीय, ठीक है। मूत्र पर कितने हैं, तीन है, उसका क्या है विरेचन भी कर रहे हैं और विरंजन भी कर रहे हैं, उसका संग्रह भी कर रहे हैं और उसका क्या है विरेचन भी कर रहे हैं, ठीक है, याद रखना पुरुष का क्या है विरेचन हम नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट अगला आता है कास, कास वर्ग, तो कास वर्ग में कितने होते हैं, तो पाँच होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कासर, श्वासर, ज्वरहर, शोथर और श्रमहर, ठीक है, ये बताए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है दाह प्रशमन आदि, तो दाह प्रशमन में क्या आ जाता है, दाह प्रशमन, शीत प्रशमन, उदग्ध प्रशमन, अंगमर्द प्रशमन, शूल प्रशमन, ये सब बताए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है शोणित, शोणित में कौन से बताए हैं, तो पाँच बताए हैं, कौन कौन से आ जाते हैं, शोणित स्थापन, वेदना स्थापन, संज्ञा स्थापन, प्रजा स्थापन और वय स्थापन बताया गया है, ठीक है ना, ये सब चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, अब क्या है एक एक करके क्या है डिटेल में जितना हम उसमें अंदर याद कर सकते हैं जो क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसको क्या है हम आगे पढ़ते हैं। वो आ जाता है जीवनी, ठीक है, तो जीवनी में हम देखेंगे कौन कौन से क्या है हमने कंटेंट पढ़ने हैं, तो उसमें आ जाता है जीवक, रिष्टम्बक, मेदा, महामेदा, काकोली, शीर्काकोली, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें जो हम अष्ट वर्ग पढ़ते हैं, ठीक है, तो अष्ट वर्ग में क्या आठ होते, तो आठ में क्या है छः जो है वो यहीं पर क्या है प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद अलग से कौन से आ जाते हैं, मृदुपन्नी, माशपन्नी, जीवंती और मुलेठी, ठीक है ना, उसमें रिद्धि और वृद्धि आ जाता है, उसको छोड़ के क्या है बाकी जितने भी आ जाते हैं वो सारे अष्ट वर्ग के बताए गए हैं। नेक्स्ट अगला आ जाता है भृंगनीय, तो भृंगनीय में क्या बोला गया है, तो उसी में याद रखना कि उसी में काकोली और शीर काकोली भी आए हुए हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो इसमें कौन सा आता है, शीर वदारी, विदारी कंद, ऋष्यगंधा, ठीक है, अश्वगंधा, काकोली, शीर काकोली, श्वेत वाला, पीत वाला, ठीक है, तो जो बला है तो वो कौन कौन से आती है, श्वेत बला और पीत बला, ठीक है, राजवृक्षक, ठीक है ना, राजवक और क्या है वनक पांस, ठीक है ना, इसको भारद्वाजी भी बोला गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है बल्ले, तो बल्ले में कौन कौन सा आता है, देखो इंद्र, तो इंद्री है, तो इंद्री से याद रखना इंद्र, इंद्र में बल ज़्यादा था, ठीक है, तो इंद्री आ जाता है, रिश्मी, ठीक है, जिसको केवांच बोला गया है, ऋष्य प्रोक्ता, माशपन्नी जिसको बोलते हैं, ठीक है, अश्वगंधा, स्तावरी, प्यांसा, बला, अति बला, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना जो बल्ले उसमें बला और अति बला, ठीक है, स्थिरा, रोहिणी, ये चीज़ बताई गई है। नेक्स्ट अगला आता है दीपनीय और आता है शूल, तो दीपनीय और शूल में क्या है, जो षडूषण है वो कॉमन है, ठीक है, षडूषण, तो षडूषण में कौन कौन से आते हैं, चव्यक, चित्रक, ठीक है ना, चव्यक, चित्रक, शुंठी, पिपली, मरीच और पिपली मूल, ठीक है, पिपली और पिपली मूल दोनों आते हैं। तो जो पंच कोल होता है उसमें क्या, उसमें मिर्च नहीं होती, जब हम मिर्च ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, षडूष्ण बन जाता है, तो षडूष्ण है और साथ में क्या आ जाता है, भाल, भा, ठीक है ना, क्या आ जाता है, भा, बी डबल ए एच, भा, ठीक है, तो भ से आ जाएगा भरलातक अस्थि, वर्ड याद रखना अस्थि है, ठीक है, भरलातक अस्थि, अ से अजमोदा, अ से अमलवेतस और ह से हिंगू, ठीक है, ये बताए गए हैं। और शूल प्रशमन के शाय में कौन से आ जाते हैं, षडूष्ण और प्लस के आ जाते हैं गा, ठीक
ठीक है ना, गा, तो अ जो है वो 3 बार है, ग, ठीक है, तो ग से आ जाता है गंडीर, ठीक है, उसके बाद अ से क्या आ जाता है, अजगंधा, अजमोदा और अजाजी, ठीक है, ये बताए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है हृदय। हृदय में ऑलमोस्ट जितनी भी सारे हमारे अम्ल द्रव्य वाले होते हैं तो वही चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है, थीके? तो आम्र, आम्रतक, ठीक है, वृषाम्लक, अमलवेतस, लकुंच, कर्मद, कर्मर्द, ठीक है, बदर, कुवल, ठीक है, ये बेर के टाइप्स हैं, और दाड़िम, मातुलुंग, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है विषघन महाकषाय। तो विषघन में कौन कौन से आ जाते हैं, मंजिष्ठा, पालियन, पालिनंदी, ठीक है, कतल, कतक, हल्दी, चंदन, सुवाहा। अब देखो यहाँ पर देखना कि जो ये पूछे जाते हैं, ठीक है, ये पूछे गए हैं, तो एक आता है सूक्ष्मेला, शीरीष, सिंधुवार और श्लेष्मातक, ठीक है ना, ये चीज़ आ जाती है। नेक्स्ट अगला आता है वमनोपग। तो वमनोपग में कौन कौन से आ जाते हैं, मष्टु, मधु प्लस मधुयष्ठी, ठीक है, कोविदार, कर्बुदार, निप, विदुल, बम्बी, शनपुष्पी, सदापुष्पी, प्रत्येक पुष्पा, ठीक है ना, ये चीज़ें बताई गई हैं। देखना है 3 प्रकार की क्या है, पुष्पी बताई गई हैं, शनपुष्पी, सदापुष्पी और प्रत्येक पुष्पा, ठीक है। वमनों में याद रखना कि एक तो कोविदार और कर्बुदार, ये पूछे जाते हैं बार बार, ठीक है, लाल कचनार और श्वेत कचनार, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है उदग्ध प्रशमनम, ठीक है, उदग्ध प्रशमनम में क्या आ जाता है, तेंदुल, प्रियाल, बदर, खदिर, कदर, ठीक है ना। उसके बाद शाल, सप्तपन, अर्जुन, असन, अरिमेद। अब ए वाले कितने हैं, 3 हैं, ठीक है, शाल और सप्त एस आ गया, ये ए है, ठीक है, और बदर, खदिर, खदिर और कदर, ठीक है, कि बदर की खदिर हो तभी तो कदर होगी, ठीक है, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना, खातिरदारी, कदर करना जरूरी है, किसकी, बदर की, ठीक है ना, कोई भी क्या है, ब्रदर किसी का आता है, ऐसे कर याद कर सकते हैं कि किसी का भी ब्रदर आए उसकी खातिरदारी, सेवा या फिर उसकी कदर करनी चाहिए, तो क्या आ जाएगा, बदर, ठीक है, ब्रदर से बदर। उसके बाद ख से खातिरदारी, खदिर, ठीक है, और कदर, ठीक है ना, कदर, कदर, उदग्ध प्रशमनम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है ज्वर। ज्वर हर महाकषाय में क्या आ जाता है, तो इसमें बोला गया है सरिवा, ठीक है, सारिवा, पाठा, मंजिष्ठा, शक्रा, द्राक्षा, परूषक, ठीक है, और पिल्लू, हरड़, बहेड़ा और आंवला। ये तो हरड़, बहेड़ा, आंवला मीन्स त्रिफला है, ठीक है, तो याद रखना कि तो ज्वर में क्या है, त्रिफला जो होता है, ठीक है। उसके बाद याद रखना कि जो मनुष्य हैं, ठीक है, उन्हीं को तो होगा, ठीक है, तो उसे याद रखना परुषक, हम पुरुष बोलते हैं ना, पुरुष, तो पुरुष नहीं है, परुषक है, ठीक है, वो याद हो जाएगा। अब क्या हुआ कि जो परुषक था वो क्या था, शकरा और द्राक्षा बहुत खाता था, ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ, उसको ज्वर हुआ, ऐसे करके हम याद कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है पुत्र संग, पुरुष संग्रहणीय, ठीक है, पुरुष संग्रहणीय, तो पुरुष संग्रहणीय में क्या है, प्रियंगु, ठीक है, पद्म, पद्मकेसर, समका, लोद्र, कटवंग, आम्रस्ती, धाका पुष्प, ठीक है, धात की पुष्प, मोचरस, अनंता, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है पुरुष विरंजनीय, तो उसमें आता है जामुन, तिलकना, मधुक, सेमल, शल्लकी, केवांच, केदारीकंद, वेदारीकंद, नीलकमल, गंध विजोरा और क्या जाता है, भ्रष्ट मृतिका, ठीक है, वर्ड याद रखना क्या है, भ्रष्ट, क्योंकि आगे जाके मृतिका वर्ड भी अकेला आएगा, ठीक है, तो याद रखना भ्रष्ट मृतिका, पूछ लिया जाता है कि भ्रष्ट मृतिका किस में आता है, तो पुरुष के विरंजन करने में, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है मूत्र संग्रहणीय में, तो संग्रह कर रहे हैं तो इसमें ये वाले सारे आएंगे, वट, उदुम्बर, अश्मत, कपित, पलश, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, भरलातक आया हुआ है, तो भरलातक अस्थि कहाँ आया हुआ है, ये भी पूछ लिया जाता है, भरलातक कहाँ है और भरलातक अस्थि कहाँ है। भरलातक अस्थि आ जाती है दीपनीय में, जो हमने भाग करके याद किया था, और अकेला जो भरलातक है वो किस में आता है, मूत्र का संग्रह करने में, ठीक है, खदीर, अश्मंतक, जामुन और आम्र, ठीक है। उसके बाद याद रखना जो आम्र है वो क्या है, इसमें मूत्र संग्रहणीय में भी आता है, और जो आम्र है वो क्या है, हृदय में भी बताया गया है, ठीक है ना। और भी बहुत सारे, जैसे जामुन है वो पुरुष क्या है, पुरुष विरंजनीय भी है, मूत्र संग्रहणीय में भी है, ठीक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं बार बार उसके बारे में फोकस ज़्यादा करना है। नेक्स्ट अगला आते हैं मूत्र विरंजनीय। अब मूत्र को विरंजन करने के लिए याद रखना, आप देखो मूत्र को कलर देना है, एक तरह से विरंजन करना है, तो उसे याद रखना कि कमल के जो भेद हैं वो किस में आते हैं, मूत्र विरंजनीय में बताए गए हैं, ये कमल के क्या है, भेद बताए गए हैं, जैसे कि कमल, नील कमल जिसको उत्पल बोलते हैं, सुगंधित कमल, शतपत्र, पुंडरीक, नीलिक,
ठीक है, ये सारे आपको याद करने हैं, मुलेठी, प्रियंगु, कुमुद और धात की पुष्प। ठीक है, तो याद रखना कि कमल के, ये भी पूछ लिया जाता है कि कमल के जो भेद हैं, ठीक है ना, जो कमल वाले जो द्रव्य हैं वो किस में आए हुए हैं, तो वो आए हुए हैं मूत्र विरंजनीय में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है मूत्र विरेचनीय में। तो मूत्र विरेचनीय में याद रखना तृण पंचमूल आए हुए हैं। क्या आ जाते हैं? तृण पंचमूल। तो ये जो हम पढ़ते हैं कुश, काश, दर्भ, गुंद्रा और इटकट मूल, ठीक है, ये क्या है? तृण पंचमूल है। उसके बाद वृक्षादनी, वसुक, वाशेर, पाषाण भेद और गोक्षुर, ये आ जाते हैं। नेक्स्ट अगला आ जाता है स्तन्य जनन। तो स्तन्य जनन में भी क्या है, याद रखना कि इसमें भी तृण पंचमूल है। तो याद रखना किस किस में तृण पंचमूल आ जाते हैं, एक तो मूत्र का विरेचन करने में और स्तनन जनन करने के लिए, ठीक है ना, स्तन्य जनन के लिए। कुश, काश, दर्भ, गुंद्रा, इटकट, शाली, षष्टिक, कृत, वीरन, इक्षु, बालिका। स्तन्य शोधन, तो स्तन्य शोधन में कौन कौन से आ जाते हैं, तो इंद्रयव, गुडुचि, सारिवा, कुटकी, मुस्तक, देवदारु, मूवा, शुंठी, पाठा, चिरायता। ठीक है, ये क्या है, अगर ये आपका इसका श्लोका याद करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है शुक्र जनन। तो शुक्र जनन में याद रखना, देखो जीवक, ऋष्टम्ब, काकोली, शीर का कोली, ठीक है, मेधा है लेकिन महामेधा नहीं है, ठीक है, पांच ये हो गए। मृदुपन्नी, माशपन्नी, ये जो सारे हमने क्या है जीवनीय वर्ग के पढ़े हैं। इसमें क्या आता है वृद्ध रूहा, कुलिंग, जटिला, ठीक है, वृद्ध रूहा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, वृद्ध रूहा, कुटिला या फिर कुलिंग या फिर जटिला, ये किस किस में आया है, तो ये शुक्र का जनन करने के लिए आते हैं। नेक्स्ट अगला आता है शुक्र शोधन के लिए। तो शुक्र शोधन में पूछा जाता है कि कौन कौन से हैं, तो उसमें कूठ, कट, शुक्र शोधन में कौन कौन से आते हैं, तो कूठ, कट, फल, कोकिलाश, ठीक है, कांडेशु, कदम्ब, निर्यास, खस, ठीक है, ईख, तो ये सारे बताए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है प्रजास्थापन। तो प्रजास्थापन में कौन कौन से आ जाते हैं, तो इंद्रिय, ब्राह्मी, शतवीर्य, सहस्त्रवीर्य, अमोदा, ठीक है, अव्यथा, अरिष्टा, शिवा, वाइट पुष्पी, ठीक है, विषक्त, सेनकता, ठीक है, ये चीज़ें बताई गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है वय स्थापन के लिए। तो वय स्थापन में आ जाता है कि उभ्या, अमृता, ठीक है, अभ्या, सॉरी, अभ्या, अमृता, अमल की, शतावरी, श्वेत अपराजिता, जीवंती, पूर्णवा, स्थिरा, मुक्ता और मंडूक पर्णी बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है शोणित स्थापन। तो शोणित स्थापन में कौन कौन से आ जाते हैं, तो रुधिर, मधुर, मधुक, मधु, मधुक, कृतमाल, मोचरस, शक्रा, ये याद रखना मोचरस और शक्रा। अब शक्रा हम ऊपर भी पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो क्या आ जाता है कि मोचरस और शक्रा। तो हमने जो शक्रा है वो कहाँ पढ़ा था, तो ज्वर में पढ़ा था कि जो पुरुष, जो परुषक है, मतलब जो पुरुष है, तो वो क्या है, वो अपनी शक्रा खाकर बीमार हो जाता है, तो उसको त्रिफला दिया जाता है, ठीक है ना, तो वो आ जाता है। तो याद रखना कि जो शक्रा है तो वो किस में है, शोणित स्थापन में भी बताया गया, और मोचरस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है शोथर महाकषाय। तो शोथर में याद रखना कि दश मूल जो होते हैं उसी में सारे क्या है शोथर बताए गए हैं, दश मूल द्रव्य, ठीक है, ये क्या है सर्व, दश मूल का क्या है बोला गया कि यह संज्ञा सर्वप्रथम किसने दी थी, तो श्रुत ने दी थी दश मूल की, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास कि हिक्का निग्रह है। तो हिक्का निग्रह में कौन कौन से आते हैं, ये भी पूछा जाता है, शटी और पुष्कर मूल, ठीक है, वृहति, बदर, बीज, वृक्ष, रूहा, कंटकारी, दुर्लभा, अभ्या, पिपली, कटक श्रृंगी, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट अगला आता है श्वाशहर। तो श्वाशहर में भी क्या है, कटी और पुष्कर मूल है, ठीक है, कन्फ्यूजन ना, इसलिए साथ साथ करके लिखा हुआ है कि शटी और पुष्कर मूल, अमल, बेतस, एला, हिंगू, अग्रु, सुरसा, तामलिकी, ठीक है, जीवंती और चंडा, ठीक है, ये वर्ड दिए गए हैं। नेक्स्ट अगला आता है कुष्ठ। तो कुष्ठ में देखो खदीर आया हुआ है, ठीक है, अभ्या, अमल की, हरित की, हरिद्रा और भरलातक, ठीक है, अरगवद जो इम्पोर्टेंट है, और जाति प्रवाल, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कंडू। तो कंडू के लिए देखना चंदन, अब देखो चंदन का लेप वैसे ही करते हैं, ठीक है, नलद हो गया, नक्तमल हो गया, दारू हरिद्रा हो गया, कुटज हो गया, निम्ब हो गया, कृतमाल हो गया, ठीक है, क्या हो गया, कृतमाल और नागर मूथा, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है तृष्णा निग्रह। तो तृष्णा निग्रह में कौन से आ जाते हैं, शुंठी, धन्यवास, मुस्तक, परपट, चंदन, किरातिक्त, गुडुची, हिबेर, धान्य और पटोल। नेक्स्ट अगला आता है वेदना स्थापन। तो वेदना स्थापन में याद रखना जो अशोक है तो वो किस में रखा गया है, शोणित में नहीं है, वो वेदना स्थापन में है, ठीक है। और उसके बाद आता है शाल, कायफल, कदम्ब, पद्मक, ठीक है, तुम्ब, मोचरस, शीर्षिर, ठीक है ना, शीरीष, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। नेक्स्ट अगला आता है विरेचनोपग। तो
तो विरेचनोपग में क्या है आपको ये चीज़ें याद रखनी है। बाकी तो ये जो त्रिफला आ गया ठीक है विरेचनोपग में, द्राक्षा और काश्मरे है ठीक है, परूषक याद रखना ठीक है। देखो परूषक आ गया, त्रिफला आ गया और पिल्लू, ये जो चीज़ें थी हमने किस में पढ़ी थी, तो ज्वर में भी पढ़ी थी ठीक है। उसके बाद कुवल आ गया ठीक है, बदर आ गया और क्या आ गया काकंधु ठीक है। ये सब चीज़ें किस में आ जाती हैं, तो ये सब चीज़ें बताई गई हैं विरेचनोपग में। उसके बाद नेक्स्ट जो मेन मेन पॉइंट है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले बताया गया कि जो आचार्य चरक हैं उन्होंने क्या है, मतलब इसी में टोटल कितने बताए गए हैं, तो जीव, पहले तो आपको याद रखना कि जो फर्स्ट महाकषाय है तो वो कौन सा बताया गया है, तो वो बताया गया है जीवनीय, और सबसे लास्ट वाला कौन सा बताया गया है, तो वो बताया गया है कषाय कौन सा, व्यवस्थापन ठीक है, व्यवस्थापन। और टोटल कितने बताए गए हैं, तो 50 महाकषायों का वर्णन किया गया है। और जो आचार्य चरक है उन्होंने क्या है 50 महाकषायों का लक्षण और उदाहरण के रूप में क्या है इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि चरक ने क्या है दीपनीय महाकषायों का वर्णन किया गया है, लेकिन पाचनीय का नहीं किया गया ठीक है, ध्यान रखना दीपनीय का वर्णन है लेकिन क्या है पाचनीय का वर्णन नहीं है। काकोली शीर काकोली किस किस में आया हुआ है ये भी पूछा गया, क्योंकि बार बार आए हो, तो दीपनीय भृंगनीय शुक्रजनन स्नेहन स्नेहोपग अंगमर्द प्रशमन में ये बताया गया है। नेक्स्ट अगला जाता है 50 महाकषायों का वर्णन क्या है, तो यहाँ दिया गया है 50 महाकषायें हैं टोटल ठीक है। 50 अगर पूछ ले जाए टोटल कषाय कितने हैं तो वो बताओगे 500, लेकिन अगर पूछ ले जाए महाकषाय कितने तो वो कितने हैं 50 है, और उसमें कुल द्रव्य कितने बताए गए हैं तो 276 बताए गए हैं ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है जाति प्रवाल, जाति प्रवाल का वर्णन ठीक है, जाति प्रवाल का जो वर्णन है उसमें क्या है, जाति प्रवाल का जो वर्णन किया गया है वो कुष्ठ घन महाकषाय में आता है ठीक है। उसके बाद अर्गवध, ये पूछा जाता है जाति प्रवाल ठीक है, अर्गवध का वर्णन कुष्ठ घन में भी है और कंडू दोनों में है ठीक है अर्गवध। उसके बाद अमृता गड़ूची जो है वो किस में आती है, तृष्णा में भी है और व्या में ठीक है, तृष्णा में हम ऊपर यहीं पढ़े थे ठीक है, तृष्णा में, तो वो किस में है गड़ूची ठीक है, हाईलाइट किया हुआ है तो गड़ूची में आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अगला जाता है मोचरस, तो मोचरस का जो वर्णन है वो क्या है पुरुष संग्रहणीय में है, शोणित का स्थापन करने के लिए, और क्या है वेदना स्थापन, मतलब दो तो स्थापन में है शोणित स्थापन और वेदना स्थापन, और क्या कहता है पुरुष संग्रहणीय ठीक है। कमल के जो भेद हैं तो वो उसका वर्णन कहाँ आ जाता है, तो मूत्र विरंजनी में आ जाता है। बेर ठीक है ना, बेर का वर्णन कहाँ किया गया है, तो उसके भेदों का वर्णन कहाँ किया गया है, तो आता है विरेचनोपग में ठीक है। अगर हम जो लास्ट वाला विरेचनोपग देखेंगे उसमें जो बताया गया ना कुवल बदर और कंग कर दूँ, तो वो किसके हैं, तो वो बेर के भेद बताए गए हैं। नेक्स्ट जो आता है मूत्र जो विरंजनीय है ठीक है ना, मूत्र विरंजनीय द्रव्य जो है वो क्या है शीत प्रधान वाले हैं, मुख्यतः पित्त प्रमेय नाशक वाले होते हैं ठीक है। चरक संहिता में क्या है जो पुरुष संग्रहणीय महाकषाय द्रव्य हैं वो क्या है पक्व संग्रह अर्थात स्तंभक होते हैं ठीक है ना, अब संग्रह करना तो स्तंभक तो चाहिए ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि चरक संहिता में क्या है वर्णित जो तृष्णा ठीक है ना तृप्त घन है ठीक है ना, तृप्त घन के क्या है योगी नाथ सेन ने क्या बताया गया अरोचक हर कहा गया है ठीक है। याद रखना जो आचार्य चरक ने क्या है तृप्ति घन जो बताया गया है महाकषाय उसी को क्या है योगी नाथ सेन ने क्या है अरोचक हर कहा बताया गया है। जो अर्जुन है याद रखना अर्जुन को हृदय में लिया जाता है, लेकिन हृदय में यहाँ पर क्या है अर्जुन नहीं है, अर्जुन का वर्णन कहाँ किया गया है तो उदग्ध प्रशमन में बताया गया है। उसी प्रकार से जो अशोक है उसका भी जो वर्णन है वेदना स्थापन महाकषाय में बताया गया है, ना ही शोणित स्थापन महाकषाय में, जैसे कि बताया था ठीक है। अर्जुन अरिष्ट मोस्टली शोणित में देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आचार्य चरक है उन्होंने क्या है वेदना स्थापन में बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है किरात तिक्त, किरात तिक्त का जो वर्णन है वो किस में किया गया है, तो सन्य शोधन महाकषाय में किया गया है, ना कि ज्वर में। ज्वर मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं कि ये क्या है किरात तिक्त ज्वर में यूज़ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो क्या है इसमें यूज़ होता है। उसी प्रकार से एक ध्यान रखना कि यहाँ पर क्या है रेफरेंस पर्पज से क्या है बताई गई हैं श्लोका ठीक है, तो इसमें बस यही बताया गया है कि फर्स्ट जो पॉइंट आ जाता है ठीक है, क्या बोला गया है कि न च आप्य अति संक्षेप अल्प बुद्धि नाम सामर्थ्य उपकल्प्यते ठीक है। उन्होंने सिंपल बोला कि अगर क्या है अगर हम इसको क्या है अगर अच्छे से यूज़ करेंगे सभी ड्रग्स को तो वो अच्छे से काम करती हैं सभी ठीक है ना, उसका संक्षेप रूप से कि ऐसे यहाँ पर इस चैप्टर में इस तरह से वर्णन किया गया है कि अगर किसी की क्या है अल्प बुद्धि भी रहेगी तो भी क्या उसको अच्छे से समझ सकता है। और इन्होंने ये भी लास्ट सेकेंड लाइन में बोला गया है कि जो हम बोलते हैं ना कषाय योनि, तो वो कितनी होती है पंचविधा कषाय योनि होती है, लवण को छोड़ के जितनी भी सारी आती है तो वो किस में आती है इसी के अंडर आती है।
जो लास्ट है वो क्या है, रेफरेंस पर्पस से है, आपको क्या है श्लोका को देखकर रख दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये कहाँ का है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये क्या है, चरक सूत्र चार का ये श्लोका है। इसी तरह क्या है, जो आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अभी हम क्या है नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं।